आज के युग में क्रिएटिव लेवल ही एक असली खजाना माना गया है। यही कारण है कि जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके के विचार लाते हैं और उनके थ्रू ही वो सफलता प्राप्त करते हैं। आमतौर पर यह कहा जाता था कि सफलता पाना या नए विचार लाना पश्चिमी दुनिया का एक हिस्सा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये बात गलत साबित करके दिखाई है भारत की एक कंपनी ने। नमस्कार, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूँ प्रगति। आज के इस खास प्रोग्राम में बात होगी एक ऐसी शानदार एयर टैक्सी के बारे में जिसकी तारीफ करने से खुद आनंद महिंद्रा भी अपने आप को रोक नहीं पाए। इस एयर टैक्सी को द ई प्लान नाम की कंपनी विकसित कर रही है, जो एक IIT स्टार्टअप है। इसका मतलब है कि IIT के साथ मिलके ये कंपनी इस स्टार्टअप को बनाएगी। किसी साइंस फिक्शन की तरह आकर्षक डिजाइन वाली ये एयर टैक्सी देखकर आनंद महिंद्रा भी हैरान रह गए थे। अब रिपोर्ट्स की माने तो अगले साल तक इसका अनावरण किया जा सकता है। आनंद महिंद्रा ने एक रिपोर्ट साझा की जिसकी जानकारी के मुताबिक ये एयर टैक्सी एक बार चार्ज करने पे 200 किलोमीटर तक की रेंज का सफर तय कर सकती है। साथ ही इसमें एक बार में दो लोग यात्रा कर पाएंगे। किसी हेलीकॉप्टर की ही तरह ये एयर टैक्सी सीधा उड़ान भरेगी और फिर अपनी यात्रा शुरू करेगी। 5x5 मीटर के एरिया वाली ये एयर टैक्सी दाम में भी काफ़ी वाजिब दामों पर बाजार में उतारी जाएगी और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस इनोवेशन से भारत की शान में चार चांद लग जाएंगे। बहरहाल, इस एयर टैक्सी पर आपकी क्या राय है बताइएगा ज़रूर। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।